नमस्कार दोस्तों, आज निगम से जुड़ा हुआ एक विषय, बहुचर्चित विषय कहूंगा, जिस पे हम पहले भी बात कर चुके हैं, पर उसमें एक नया मोड़ आया है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी के उत्तरी नगर निगम की मेयर प्रीति अग्रवाल जी। हमने इनके खिलाफ कई सारे खुलासे किए। हम पब्लिक डोमेन में वो चिट्ठी लेकर आए हैं, जिस चिट्ठी में सीधे सीधे एक व्यक्ति विशेष की कंपनी को एक टेंडर प्रक्रिया को कॉम्प्रोमाइज करके इलीगल और अनजस्टिफाइड तरीके से एक व्यक्ति विशेष की कंपनी को फेवर करने का प्रयास किया गया, ऑफिसर्स को ह्यूमिलेट किया गया। और जब हमने इस मामले में सीबीआई जांच की और उनकी बर्खास्तगी की मांग करी तो मेयर साहिबा भिदक पड़ी, गुस्से में आ गई, भूल गई कि लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका आपकी नाकामियों को जनता के सामने उजागर करने के साथ साथ यदि आप भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, अलिप्त होने की संभावना भी है, तो उसके जांच की मांग करना विपक्ष की तमाम अहम जिम्मेदारियों में से एक है और हमने वही किया। हमें डिफेमेशन नोटिस भेजकर हमारी आवाज को दबाने का प्रयास किया गया। आपके माध्यम से हम प्रीति अग्रवाल जी को सूचित करना चाहेंगे कि आप चाहे हमें जेल में भेज दो, चाहे फांसी पे लटका दो, चाहे जान से मार दो, जनता के हक की लड़ाई हम शुरू से लड़ते आ रहे हैं और आगे भी लड़ते रहेंगे। और इस लड़ाई को इसके तार्किक परिणति तक ले जाने के लिए, लॉजिकल कंक्लूजन तक ले जाने के लिए आम आदमी पार्टी ने, नेता विपक्ष ने प्रीति अग्रवाल जी के ऊपर लगे भ्रष्टाचार के और भी कई आरोपों को इकट्ठा करके आज अभी कुछ देर पहले सीबीआई में इसकी शिकायत करी है। ये उसकी कॉपी है जो सीबीआई में हमने कंप्लेंट करी है। माननीय राकेश कुमार जी की ओर से यह शिकायत की गई है प्रीति अग्रवाल जी के खिलाफ। और इसमें कुल छह मामले, छह आरोप लिखे गए हैं, शामिल किए गए हैं, जिनमें सीबीआई से जांच की गुजारिश की गई है। पहला मामला ऑफ कोर्स वही है जिसपे हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अधिकारी की चिट्ठी पब्लिक डोमेन में डाली थी, जिसमें सीधे सीधे टेंडर प्रोसेस को कॉम्प्रोमाइज करके व्यक्ति विशेष को टेंडर अलॉट करवाने के लिए दबाव बनवाया गया। पहला मामला वही है। इसके बाद दूसरा मामला प्रीति अग्रवाल जी के खिलाफ जो आया, वो आप सबकी जानकारी में लाना चाहूंगा, वो भी कॉन्ट्रैक्ट से जुड़ा हुआ है, जिसमें दिल्ली के नागरिकों को चपत लगी है कई करोड़ रुपए की। तीसरा मामला 9th MCD में एक BOT कॉन्ट्रैक्ट था, उसको एक विशेष कंपनी को बिना ई-ऑक्शन किए दिलवाने का मामला है, जिसकी डिटेल्स में दर्ज है। और इसके साथ और भी तीन मामले हैं जिनकी जानकारी इसमें लिखी हुई है। ये सीबीआई को जो हमने कंप्लेन करी है, ये आपको दिया जाएगा, आपको इश्यू कर दिया जाएगा ये लेटर। आज हम सीबीआई को शिकायत करने के बाद उम्मीद करते हैं कि जैसे आम आदमी पार्टी के मामलों में बिना किसी सबूत के जांच की सभी एजेंसियां तुरंत एक्शन में आ जाती हैं, यहां प्राइमा फेसाई साक्ष्य होने के बाद क्या उनका वही दोहरा मापदंड चालू रहेगा या इस प्रकरण में भी कोई कार्रवाई होगी? और दूसरी बात,
भारतीय जनता पार्टी को हम चुनौती देना चाहते हैं। यदि उनको लगता है कि प्रीति अग्रवाल जी ईमानदार है, उन्होंने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया, तो हम चैलेंज करते हैं भाजपा के नेतृत्व को कि इस बार मेयर के रूप में प्रीति अग्रवाल जी को रिपीट करके दिखाएं। ऐसा न कर पाने की स्थिति में फिर दिल्ली की जनता यह स्वीकार करेगी, मानेगी कि भारतीय जनता पार्टी ने नए चेहरे और नई उड़ान के नाम पर उनको धोखा दिया है, लूट खसोट करने वाला नया चेहरा आगे किया है, जिस वजह से भारतीय जनता पार्टी अपने ईमानदार मेयर को रिपीट तक नहीं कर पा रही।